हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है तो हम यहाँ पर लगाते हैं, अदरवाइज अगर आपने ऐसे कहीं भी लाइट लगा दी तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर देगी। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं लाइट रेड लाइट का बहुत यूज करते हैं, आप देखते होंगे जनरली ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते लेकिन रेड का ज्यादा यूज कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी कभी कहीं लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको। तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी। इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तु में, ऐसा नहीं, हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है, यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है। गलत जगह पे लगी हुई लाइट नुकसान देगी हमेशा। चलिए जब आप छोटी छोटी चीजों को जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीजों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ये इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो दे देती है, होल्ड देता है, आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। आप इतनी अच्छी चीजें हैं इनको अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने शुरू हो जाते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एकदम मिरेकुलसली काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस थोड़ा समझने की जरूरत है, जब आप समझना शुरू करते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मुझे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग भी आसानी से हर एक को हर तरह की लगा देते हैं, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते किसी को, क्योंकि कई बार परेशानी बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में होती है और उसको दूर करते ही एक दो से समस्या खत्म हो जाती है। बट अभी तो सर फैशन हो गया ना कि मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का, अंदर से क्लाइंट लोग कह रहे थे कि अच्छा दिखना चाहिए, वो कुछ भी। देखो आप मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखो हमारा भी काम जितना आर्किटेक्ट के साथ ही होता है, इंटीरियर डिजाइनर के साथ होता है, हम वास्तु कर रहे हैं तो हमारा और आपका तो चोली दामन का साथ है बेसिकली, अगर आप समझो है ना, नहीं हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता, और आज की तारीख में चूंकि वास्तु इतना हो गया कि आप लोगों का काम भी वास्तु को नहीं चल सकता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ड्यूटी है वो ये है कि हम क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते फिर उनके अपनी कॉल होती है, लेकिन हमारा प्रोफेशन है, कोई आदमी अगर हमसे कंसल्ट कर रहा है हमारी एडवाइस ले रहा है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सही बात बतानी चाहिए कि देखिए ये चीज ठीक नहीं है, इस चीज के गलत रिजल्ट हो सकते हैं, उसकी बात भी नहीं मानते तो अलग बात है, या फिर हम ये देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी होती है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे इंटीरियर डिजाइनर, हेल्पलेस होते हैं या तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आदमी को करने से रोक देती हैं, तो फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी मजबूरी है, हम इतने कितना ही बता दिए कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालते हुए चलते हैं कि कम से कम उसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए, ये भी करते हुए इस तरीके से भी होता है अगर वो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है तो, ये इसका तरीका है। बट हमें नॉलेज होगी तो देखो क्या है कि आज आप आर्किटेक्ट हो इंटीरियर डिजाइनर हो, आपने किसी के घर डिजाइन करा तो उस व्यक्ति को घर ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं भी जाके अगर उसको अच्छा रहता है उसका जीवन अच्छा होता है तो आपको बड़ी दुआएं देता है ना, वो कहता है कि देखो जब से मैं इस घर में आया हूँ मेरी दुकान खोली है फैक्ट्री खोली है मेरे जीवन बहुत सुकून से है। भाई आप कोई आदमी बीमार है आपने उसके कुछ ऐसी चीज बता के करा दी मतलब उसकी बीमारी खत्म हो गई या बहुत कम हो गई तो वो आपके लिए कितनी आपको कितनी दुआएं देगा, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको